वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने गूगल डेटा हाईलाइटर टूल को वो किया, अपना डिस्कस किया। अब इस वीडियो में मैं आपको एक टूल बताता हूँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा टूल। तो ये सबसे पहले जो आपके पास आएगा ये है गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल। इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं कि एक वेबसाइट का वो कैसे नज़र आएगा, बाई यूजिंग URL और या जो है आप HTML की मदद से भी, HTML का कोड इसमें पेस्ट करके उसकी मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक URL जो है ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो प्रीव्यू में आपको कहा जा रहा है कि इस तरह नज़र आएगा। देखिए गूगल में ये इस तरह नज़र आएगा सर्च रिजल्ट्स में, और इसमें जो है कह रहे कि एक्सट्रैक्टर स्ट्रक्चर डेटा इसमें क्या है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो कि मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर कि पेज डज नॉट कंटेन पब्लिशर मार्कअप इसमें नहीं है, जो कि मैंने खुद ही ऐड नहीं किया है, तो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना वो सब यहाँ पर मौजूद है। देखिए तमाम डेटा, आइटम टाइप, स्केमा डॉट ओ आर जी का ऐड हुआ हुआ है, और ऑथर नेम हो गया, तमाम चीज़ें इसमें एडिट है। अब अगर मैं आपको उस URL का मैं बता दूं, अभी हमने टेस्ट किया था बेसिकली वो जिसमें रिव्यू है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, को ऐसे कॉपी करके मैं जो है इधर पेस्ट कर देता हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इस पेज पे जो है वो मार्कअप वेरीफाइड है, ये चूंकि मेरा अपना है ना। अच्छा, ये दूसरी साइट है एक्चुअली, ये onlineauthor.com पे मैं वेरीफाई किया हुआ है अपने पब्लिशर को, और यहाँ onlineteaching.com पे नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि रिव्यू बाय अब्दुल वली। ये देखिए इसमें इजाफी एक डेट और रिव्यू आ रहा है, ठीक है, और उसमें नहीं आ रहा था। अब अगर हम schema.org पे जाएं और यहाँ पर एक एग्जांपल ले ले, यहाँ से मिसाल के तौर पे हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और इसमें इसका जो पूरा जो फुल द फुल टाइप हायरार्की जो है, इसमें जाके यहाँ से मैं कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे जाके मैं यहाँ सबसे नीचे ये एक टेस्टिंग कोड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको ऐड करता हूँ इस HTML कोड में, ठीक है जी। इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ और प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ये इस तरह नज़र आएगा। देखिए रेटिंग 3.5, रिव्यूज और 10,000 इन स्टॉक। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट के हवाले से हमने यहाँ से सिंपली एक वो कॉपी किया, जो एक प्रोडक्ट के लिए आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ और मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसको हमने कॉपी किया जिसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद है। देखिए आइटम प्रॉपर्टी, डेट पब्लिश्ड, आइटम प्रॉपर्टी, रिव्यू रेटिंग, आइटम प्रॉपर्टी नेम, आइटम प्रॉपर्टी रिव्यू वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसको हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली गूगल का एक टूल है स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल, तो ये आपको शो करेगा कि सर्च इंजन में कैसे नज़र आएगा। और इसमें देखिए आप ये रेटिंग वगैरह देख सकते हैं और रिव्यूज़ कितने हुए हैं, कितनी प्राइस है, ये स्टॉक में है या नहीं है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है। नीचे अगर आप आएंगे तो इसके वो तमाम जो schema.org की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपको नज़र आएंगे। तो जो भी आप मार्कअप यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के किसी पेज के लिए या किसी
ऑफलाइन भी कोई अगर आपका HTML डॉक्यूमेंट है जिसको आप मार्कअप कर रहे हैं इस टूल की मदद से, ये जो स्केमा डॉट ओ आर जी है। स्केमा का मतलब सिंपली क्या होता है पता है? स्केमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, खाका, एक उसका खाका बनाना। तो इसके टेक्स्ट जो है सारे HTML5 से लिए गए हैं। तो ये अगर आप करें तो उसके बाद आप टेस्ट लाजमी करें इस टूल की मदद से, स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल। तो आपको पता चलेगा आपकी साइट यहाँ पर कैसे नज़र आएगी गूगल के सर्च रिजल्ट में। जब गूगल कोई सर्च करता है ना गूगल पे, तो आपकी साइट किस तरह अपीयर होगी, नीचे क्या अपीयर होगा, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह में। इसको स्निप कहा जाता है, बेसिकली रिच स्निप कहा जाता है। तो ये आपको बताना था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और गूगल वेब मास्टर की अंदर जो है आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।